दोस्तों आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल डीए न्यूज़ पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शहाब भाई इस टाइम कहां पर हैं और आज उन्हें घर से निकले हुए कितने दिन हो चुके हैं और साथ ही साथ उनके बीजे की कार्रवाई कहां तक पहुंची, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि शहाब भाई को आज पूरे घर से निकले हुए 177 दिन हो चुके हैं और साथ ही साथ ये तो आप सभी जानते हैं कि शहाब भाई 2 जून को अपने घर से पैदल मक्का मदीना के लिए निकले थे और इस सफर के दौरान शहाब भाई को ना जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और इन सब मुसीबतों में सबसे बड़ी मुसीबत है शहाब भाई का वीजा मिलना। जी हाँ दोस्तों, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि शहाब भाई आज कहाँ हैं और उन्होंने आज क्या क्या किया। दोस्तों शहाब भाई आज भी आफिया स्कूल में मौजूद हैं, जो कि खांसा गाँव में स्थित है और यह खांसा गाँव बागा बॉर्डर से 14 किलोमीटर पहले है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शहाब भाई को यहाँ पर रुके हुए 1 महीने से काफी ज्यादा हो चुका है और उनके रुकने की वजह है ये वीजा। आखिर ये बात समझ से परे है कि पाकिस्तान शहाब भाई को वीजा देने में इतनी देरी क्यों कर रहा है और वहीं काफी चैनल बता रहे हैं कि शहाब भाई को वीजा मिलने वाला है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसी भी फेक न्यूज पर विश्वास ना करें। शहाब भाई ने वीजा मिलने में अभी कोई बात का खुलासा नहीं किया है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे और साथ ही साथ शहाब भाई के लिए दुआ करेंगे कि उन्हें जल्दी से जल्दी वीजा मिल जाए, जिससे कि वो आगे का सफर पूरा कर सकें। और दोस्तों आप भी हमारे साथ साथ उनके लिए दुआ करें कि शहाब भाई को जल्दी से जल्दी वीजा मिल जाए। और शहाब भाई से जुड़ी हुई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।